हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, जिसमें एक आईटी का भी है। बहुत सारे शेयर आपको फार्मा के मिलेंगे जो कि स्मॉल कैप मिड कैप से रिलेटेड है, जिनके चार्ट पैटर्न अच्छे हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं मुझे लग भी रहे, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। एज वेल एज अभी मैंने दो तीन वीडियो अपलोड करी है, एक SIS से लिमिटेड से रिलेटेड, वो शेयर भागने वाला है डेफिनेटली। एज वेल एज बात करें ISEC, जो कि ऑलरेडी भाग चुका है और उससे पहले आपको बताया भी था कि वो शेयर भागता हुआ नजर आएगा, तो आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, अगर ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट है यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। एज वेल एज एक और लिंक है, यहाँ क्लिक करेंगे, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहते हैं आप दान दीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहला शेयर, देखिए मैं सीधे यहाँ पर दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देख लीजिए मैगेलैनिक क्लाउड लिमिटेड, ये आईटी कंपनी से रिलेटेड स्टॉक है। यहाँ देख सकते हैं आईटी सर्विसेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो कैप कंपनी है, ज़्यादा इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है और कोई भी ये बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है ही नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज से, ताकि आपको इन शेयर से रिलेटेड पता हो। अगर कभी आपको अच्छा लगे ये शेयर, तब आप अपनी इच्छा अनुसार और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज खुद की स्टडी करके आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी है, इसलिए ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगा। डेट की बात करें तो 18% के लगभग डेट है, और प्लेजिंग की बात करें तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और अगर बात करें यहां पर इंट्रेंसिक वैल्यू 78 रुपीज का इंट्रेंसिक वैल्यू है, और यहां बात करें शेयर की तो लगभग 63 रुपीज का यह शेयर चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है और काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। 4 रुपए का शेयर हुआ करता था, यहां पर देखिए बीच में गिरावट भी आई और अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया। इधर अब इसने बोनस बायबैक दिया है या नहीं दिया है, उसके लिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब कैसे चेक करते हैं मैं हमेशा आपको बताता ही रहता हूं, बाकी आप मैं इनसे रिलेटेड एक अलग से वीडियो पर्टिकुलर एक एक करके बनाऊंगा, तो आपको इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो यहां पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए कंसिस्टेंसी यहां पर नजर आ रही है सीधे यहां पर सेल्स में। ओके, यहां पर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, बट आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ये छोटी कंपनी है, तो देखिए छोटा ही प्रॉफिट होगा, 9 करोड़ के लगभग का यहाँ पर सेल्स होती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपेंस भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो देखिए प्रॉफिट भी 0.62 लाख रुपये, मतलब 62 लाख रुपीज़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। ईयरली बेस की बात करें तो लगभग 73 लाख रुपए कभी कंपनी कमाया करती थी 2006 में, और अभी की बात करते हैं इस साल की, तो लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास की इसका सेल्स के लगभग यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 44 लाख रुपए का प्रॉफिट आज की डेट में 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। तो कंपनी हर एक पैरामीटर पर इस तरीके से अच्छी लग रही है। बात करें रिजर्व्स की, कंपनी के अच्छे पास 13 करोड़ के रिजर्व्स भी है। बोरिंग की बात करें, कंपनी ने देखिए अपने आप को शायद एक्सपेंड कर रही है, इस वजह से यहाँ पर बोरिंग लेती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट की, कंपनी 26 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश की बात करें, कंपनी का 57 लाख रुपए का कैश भी है। और बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास 64% की होल्डिंग है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक में भी देखिए बड़े बड़े यहाँ पर नाम आ रहे हैं, 3-2 यहाँ पर आप देखेंगे 6-7% की इन लोगों के पास होल्डिंग है। बाकी अगर बात करें तो लगभग 28-29% की होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। तो इस शेयर की तरफ आप नज़रें बना के रखिए, कभी नीचे गिरता है और ये शेयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस आगे फ्यूचर में करके दिखाता है, तो आप थोड़ा बहुत पैसा ना के बराबर इसमें लगा सकते हैं, बट आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा बात करें एक और शेयर, तो ये ऑरोबिंदो ऑरोबिंदो फार्मा के बारे में आपने सुना है, बट ऑरो लेबोरेटरीज एक शेयर हो रहा है जिसका चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है। देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ जाता हुआ चार्ट पैटर्न है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ बात करें तो डेट फ्री कंपनी है, कोई भी कर्ज नहीं है, कोई प्लेजिंग नहीं है, 24 का ROC ही दे रहा है। ओके, 55 करोड़ रुपये का केवल मार्केट कैप है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दिया है। कंपनी की सेल्स देखिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर लगभग 13 करोड़ इसी क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 13 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है। बात करें प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए के लगभग का प्रॉफिट भी हुआ है। अगर ईयरली बेसिस पे हम बात करते हैं, तो 2009 में जहाँ पर 10 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, अभी बढ़ के 50 करोड़ की सेल्स हो चुकी है, लगभग 5 गुना सेल हो चुकी है। अगर बात करें यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 35 लाख का प्रॉफिट लगभग 9 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर
लगभग 8 लाख रुपए का प्रॉफिट, ओके 8 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर आज की डेट में 6 करोड़ के प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में चेंज बदल गया है। तो कंपनी देखिए परफॉर्मेंस कर रही है, और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पहले परफॉर्मेंस देखे, धीरे 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 करके यहाँ पर कंपनी बढ़ती ही जा रही है और ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो इस बात को याद रखिए। रिजर्व्स की बात करें, 19 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है, कंपनी अपने आप को डेट फ्री बना चुकी है, डेट फ्री कंपनी है, ओके। अगर बात करें कंपनी के फिक्स एसेट की, तो यहाँ पर देख सकिए फिक्स एसेट भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 5 लाख के आसपास का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश की बात करें 8.5 करोड़ रुपए का इनके पास कैश भी है। अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 51-52% की है। बाकी पब्लिक की बात करें तो DIS के तो ना के बराबर है, पब्लिक में भी देखें इन लोगों ने आपको ले रखी है 3.13% की, 1.54% की होल्डिंग इन्होंने ले रखी है। बट ओवरऑल बात करें पब्लिक के पास फिर भी 48% की होल्डिंग है, तो आप इस शेयर को थोड़ा देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के। इसमें देखिए अभी सिचुएशन भी है, उस हिसाब से ही भाग रहा है, एज वेल एज अगर इससे पिछले सालों के परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। तो आपको वीडियो अच्छी, यहाँ पर ये शेयर अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने का मेरा कोई प्लान नहीं है और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, बस शेयर के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और शेयर है कोपरन लिमिटेड, यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैपिटल 490 करोड़ की है, 29% के लगभग डेट है, डेट और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, 13 के ROCE पे यहाँ पर शेयर चल रहा है, ओके। इंट्रेंसिक वैल्यू, बट अगर बात करें शेयर की वैल्यू क्या है, लगभग 136 रुपीज़ के आसपास का ये शेयर है, और बात करें इंट्रेंसिक वैल्यू तो 310 रुपये की इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे चल रहा है, तो इसलिए इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर इसका चार्ट का देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा इन्वेस्ट करने से पहले कि शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे है और वॉलेटिली से भरा हुआ है, कभी भी शेयर नीचे जा सकता है, ओके। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी। सेल्स देखते हैं तो सेल्स यहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट देख रहे हैं तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 5 करोड़ का प्रॉफिट आज के डेट में 16 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है। और अगर ईयरली बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले 10 साल में 119 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स, आजकल 439 करोड़ के सेल्स में चेंज हो गई है, 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 साल 11 साल में लगभग 74 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है, और जहां पर नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था अभी यहां पर 51 करोड़ के प्रॉफिट में पॉजिटिव प्रॉफिट में चेंज हो गया। रिजर्व्स 171 करोड़ के रिजर्व्स है, अपने डेट को इसने रिड्यूस कर दिया है, यहां पर सेप्टेम्बर 2020 में लगभग 63 करोड़ रुपीज़ का डेट था, और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इंटरेस्ट तो यहाँ पर देखिए, हाँ तो यहाँ पर लगभग डेट थोड़ा सा और शायद बढ़ गया है, तो इस चीज़ को अभी रिजल्ट्स आएंगे या अपडेशन होगा तब जाके पता चलेगी। यहाँ रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 177 करोड़ का रिजर्व्स भी है, इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट लगभग 5 करोड़ रुपये का है, और अगर देखते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 43% की होल्डिंग है, FII इसमें कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते। DIS की बात करें 2.29% की DIS की होल्डिंग है, और पब्लिक की बात करें 53.93% की होल्डिंग अकेली पब्लिक ने ले रखी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, पब्लिक के पास होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा होना एक तरीके से एक अच्छी बात नहीं होती, ओके। प्रमोटर्स के पास अपने जितने शेयर अच्छे ज़्यादा होंगे उस कंपनी में हमारा विश्वास उतना बढ़ता जाता है। सेम हेयर मोरेपन लैबोरेटरीज, ओके स्मॉल कैप कंपनी, 1952 करोड़ रुपए की कंपनी है, लगभग 5% के लगभग यहाँ पर डेट है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अगर यहाँ पर देखते हैं और भी चीज़ें तो सेल्स देखिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है, नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज बढ़ते बढ़ते 24 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है। यहाँ पर सेल्स भी देखिए, यहाँ पर 2009 में 181 करोड़ की सेल्स थी जो कि अभी की डेट में 1108 करोड़ की सेल्स में बढ़ चुका है, 1 करोड़ का प्रॉफिट 107 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है 10 से 11 साल में, और जहां नेगेटिव में यहां पर प्रॉफिट था वहां पर अभी बढ़ के लगभग 81 करोड़ के प्रॉफिट यहां पर नेट प्रॉफिट देता हुआ नजर आ रही है कंपनी। रिजर्व्स 241 करोड़ के रिजर्व, 16 करोड़ की बोरिंग है, ना कि बोरिंग कम कर दी है, ओके। एज वेल एज बात करें इन्वेस्टमेंट की, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, कैश भी आई थिंक अच्छा खासा कैश होगा कंपनी के पास, तो यहाँ पर देख लेते हैं कैश कंपनी का 68 करोड़ का कैश है, और होल्डिंग की बात करते हैं 34% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, और बात करें पब्लिक के पास होल्डिंग है यहाँ पर देख लेते हैं पब्लिक के पास, देखिए इन फेरी होल्डिंग लिमिटेड, पिनफोल्ड, दामोदर, मोरोफिन, तो इन्होंने यहाँ पर 4% 8% की होल्डिंग ले रखी है। अगर इन्हें
टोटल काउंट किया जाए तो लगभग लगभग 14-15% आप यहाँ घटा सकते हैं, तो लगभग 45% के लगभग यहाँ हिस्सेदारी पब्लिक की है। तो हर चीज़ को पैरामीटर को आपको देखना है तभी आपको यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये शेयर आपको टीवी पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये शेयर डेली बेसिस पे भाग भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं 1 मंथ का चार्ट पैटर्न, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। 3200 रुपये का शेयर 4443 रुपये के शेयर में चेंज हो गया है। तो इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है। अगर कंपनी आपको अच्छी लगती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी डेफिनेटली करनी है। इसके अलावा मार्क्स एंड फार्मा सेम हेयर, कोई डेट नहीं है, कोई प्लेजिंग नहीं है, अच्छी खासी इसमें स्मॉल कैप कंपनी है, प्रॉफिट यहाँ पर ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, एज वेल एज यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऑब्वियस सी बात है फार्मा कोविड बढ़ रहा है तो फार्मा के स्टॉक चल ही रहे हैं। जहाँ पर कोई भी प्रॉफिट जीरो का प्रॉफिट होता था, आज की डेट में 82 करोड़ के प्रॉफिट में चेन कंपनी बैठी हुई है। रिजर्व्स अच्छे हैं, 506 करोड़ का कोई डेट नहीं है, तो ऐसी कंपनी को आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 236 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो ये कंपनी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है। 73 करोड़ का यहाँ पर वो कैश भी है, FIIs भी 4% है, DIIs ना के बराबर है, 48% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग 47% की हिस्सेदारी है। तो ये कंपनी मुझे बाकी कंपनी से ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, तो मार्क्स एंड फार्मा तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। इसके 58 रुपीज़ 60 के आसपास ये शेयर चल रहा है। इसके अलावा इस शेयर से रिलेटेड तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ डेफिनेटली, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट यहाँ पर प्राइस इसका 900 के आसपास चल रहा है। डेट इक्विटी की बात करें तो डेट है कंपनी का, प्लेजिंग भी ना, प्लेजिंग इसमें ना कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर सेल्स देखें तो कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 23 करोड़ का प्रॉफिट 2 साल के अंदर 34 में चेंज हो चुका है। अगर बात करें ईयरली बेसिस पे 112 करोड़ का प्रॉफिट, सेल्स यहाँ पर 704 करोड़ के सेल्स में, एज वेल नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का प्रॉफिट 113 करोड़ के प्रॉफिट में। रिजर्व्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 444 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरोइंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, 131 करोड़ की बोरोइंग है। इन्वेस्टमेंट 76 करोड़ रुपीज़ का है, और कैश की बात करें तो लगभग 26 करोड़ रुपए का कैश भी है। और यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो लगभग 44% यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कम कर दी है यहाँ पर प्रमोटर्स ने, तो इस बात को याद रखिएगा। बट स्टिल कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी नज़र आ रही है, बाय ऑन डिप्स करने का आपको मौका मिलता है, ये शेयर नीचे आता है तो इसे भी तरफ ध्यान दीजिएगा। और ये शेयर काम क्या करता है, तो ये जो भी बैंडेजेस वगैरह होती है, पट्टी वगैरह होती है, तो इनसे रिलेटेड काम करता है, इससे रिलेटेड मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। FIIs अच्छी खासी होल्डिंग है, बढ़ा दी अपनी होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, और पब्लिक ने यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी कम कर ली है। और यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक भी देखेंगे तो अच्छी खासी भरी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए लगभग 20% की 10-15% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़ी बड़ी हस्तियों के पास है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा, बाकी दूसरी कंपनी की तरफ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा। एक ओवरव्यू था, जो शेयर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे थे, टीवी पर भी दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन शेयर के बारे में आपको बताना चाहिए। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। किसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड आपको मुझसे पूछना है तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा, तो उससे रिलेटेड आपको जवाब मिल जाएगा, और उसके रिलेटेड वीडियो भी बना देंगे हम लोग। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर, हमारा चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।